देखो बिल्कुल जिहड़े साडे देश की जिहड़ी आत्मा है वह साडा फैडरल स्ट्रक्चर है और फैडरलिज्म तो बिना तुसी देश का तसव्वुर नहीं कर सकते। और पिछले 25-30 सालों तो लगातार साडे देश की आत्मा ते फैडरलिज्म ते सीधे हमले हो रहे, सो इन्हां नूं बिल्कुल रुकना चाहिए और देश नूं अगे हो के पंजाबी तो फिर भी हर लड़ाई के अगे होंगे, पंजाबी अगे लगन लिए तैयार है, लेकिन देश में सारे भाषाई खित्या जिन्हें वखरेवे है वो ब्यूटी है साडे देश की, उन्होंने सारे आपकी आइडेंटिटी कायम रखनी चाहिए और ता ही देश तकड़ा होएगा। और जो साडे कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़े निर्माता सी जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सी उन्हां दी भावना भी यही सी, क्योंकि एडे वड्डे डाइवर्स देश नूं इकट्ठा रखना तकड़ा रखना उहदे च फैडरलिज्म उहदे लई जरूरी है। सो अज के जिहड़े मतियां दी गल है बिल्कुल ठीक है, ट्रेड होना चाहिए, ट्रेड कला जे मतलब सारा एग्रीकल्चर कारपोरेट को आता फिर ही खुलेगा, ट्रेड ट्रेड खुलना चाहिए वो देश की तरक्की होएगी। जे कोई साड़ी कोई चीज़ जानी इतों लाहौर जानी है तो वह वाया कराची क्यों जाएगी, ठीक है जी, फिर साड़ियाँ जे कहते भी उतों टैररिज्म आ या कुछ होर चीज़ आँदी है तो फिर कहदे लई है साड़ी BSF कहदे लई साड़ी एजेंसियां, सो उन्होंने अपन थोड़ा सशक्त करना चाहिए। सो जिहड़ियां डायरैक्ट फ्लाइट है उन्हां दी गल भी मैं आपदे तौर पर भी चक्की है, मैं वक् वक् जिहड़े केंद्र सरकार के मंत्री साहबान उन्होंने मिलता रहा, तो मुख्यमंत्री साहब भी आपके तौर पर लगे हुए हैं और कोई मैं लगता है भी ये जल्दी हल भी हो जाएगा जो मता पै जाए कोई माड़ी गल नहीं। देखो स्पीकर का काम उन्होंने अलाउ करना, जो कोई माणयोग विधायक इस चीज़ की मांग करेगा तो मैं अलाउ करूँगा। स्पीकर साहब जितों तक गल करिए फैडरलिज्म की गल की है, फैडरलिज्म की गल तो हर कोई करता है, सैमीनार्स भी बहुत होंगे, विचार चर्चावान भी लगातार कई सालों तो हो रही ने, पर बिल्कुल चुक रहे ने सारे लोग, काफ़ी बहुत लोग ने जो फैडरलिज्म मदई आ और कल पंजाब नहीं सारे देश के मदई है, सो उन्होंने कट्ठे होने की जोड़ जो कट्ठे फिर चुकया भी जाएगा। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ CBI ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਫਾਈਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ सही तरीके दे नाल हिंदुस्तान के लोगों एम्पावर करने की गल की, उन्होंने मतलब वो सारिया सहूलत एक आम बंदे देने की कोशिश की, फ्री इलाज कर सिर्फ नेता मिलता सी, अफसर मिलता सी, आम लोगों को दिता और दिल्ली गल नहीं की, दे के दिखाया एजुकेशन म्यारी एजुकेशन सस्त जी एजुकेशन जी सिर्फ अमीर के बच्चों मिलती सी दिल्ली दे के दिखाई, वो कित ना कि चाहते ही नहीं है, जे लोग सत्ता के काबज ने वो चाहते भी इस तरह जे सारे एजुकेट हो गए तो फिर उन्होंने सवाल करेंगे। सो एजुकेशन का जी क्रांति देश में शुरू हुई है दिल्ली तो उन्होंने रोकने वास्ते अरविंद केजरीवाल होर डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैंने पता भी देश उन्होंने नाल है, असी सारे उन्होंने नाल है, वो बिल्कुल नहीं डरने। भगवंत मान साहब ने कहा कि पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं खुलेगा, देखो ये उन्होंने मुख्यमंत्री साहब का उन्होंने फैसला लेना है किवें करना है की नहीं करना, लेकिन अगर साडा बॉर्डर खुलता है साडिया एजेंसी पूरा प्रॉपर काम कर दी हैं, असं हम जाने करतारपुर साहब उत्थे चैकिंग होंगी सारी, सो 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 तो बिल्कुल डिस्कशन तो होंगी है जी, डिस्कशन तो करेंगे, मेरा व्यू है वो उन्होंने व्यू है, सो जे आप मतलब आपकी एजेंसी ठीक कर लीए तो कोई समा आऊगा, क्यों जे मोदी साहब उत्थे जा सकते नवाज शरीफ को फिर बॉर्डर भी कि खुल सकता आज नहीं खुल सकता फिर फ्यूचर खुल सकता, वो तो लगातार वार हो रहे हैं जी, लगातार वार हो रहे हैं और आपां सारे कट्ठे होकर मीडिया नू, आम लोगों कट्ठे होकर जिहड़ा देश के खिलाफ एक साजिश है जी फैडरलिज्म के खिलाफ, देखो 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 जे कि कोई इलीगैलिटी होंगी तो एक्शन जरूर होएगा।